कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पद पर बैच के आधार पर नियुक्ति के लिए आरएनपी रूल में छूट देने पर सरकार विचार करे। ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है। न्यायालय ने इस बार में राज्य सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है और इसमें कहा है कि वर्तमान में राज्य में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 से ज्यादा पद खाली हैं और इस तरह याचिकाकर्ताओं के मामलों पर बैच के आधार पर पीईटी के पदों पर नियुक्ति के लिए आसानी से विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी रिकॉर्ड पे लिया है कि 15 फरवरी 2011 को जारी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम योग्यता में उन उम्मीदवारों को एक बार छूट दी थी जिनके पास नए नियमों के अनुसार योग्यता नहीं थी। तो कोर्ट ने यह कहा कि जब तब छूट दी जा सकती है तो अब भी दी जा सकती है और एक बार देना दूसरी बार ना देना ये ठीक नहीं है और इसीलिए इस बारे में जो सरकार है वो विचार करे और 4 हफ्ते के बाद इसमें बताए और बाकी जो पटिशन है वो इसके साथ अब कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अगली बात है आउटसोर्स पर बैठक की और जेओए को लेकर सुनवाई की। सबसे पहले जेओए पोस्ट कोड 556 की बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में है। अगली इसकी सुनवाई 10 अगस्त 2022 को तय हुई है और हालांकि अभी कॉज लिस्ट पर इसका नाम जो कॉपी है वो आएगी अभी, उसके बाद ये पता लगेगा कि इसके बाद आगे क्या होना है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को लेकर अब हम आगे जो चीज़ें हैं वो आगे आपको उसी तरह से अपडेट करेंगे।